मैं इसमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से चौकी गांव में है, मैं चौकी गांव में हूँ। मेरे साथ यहाँ पर यहाँ की महिला मंडल की प्रधान श्रीमती मीना जी मेरे साथ हैं। मीना जी, नेशनल न्यूज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीना जी नमस्कार जी, आप कब से महिला मंडल की प्रधान हैं? मैं तो महिला मंडल की प्रधान 3-4 साल से हूँ। बड़े चला हुआ है हमारा महिला मंडल, बड़े अच्छे सदस्य हैं हमारे महिला मंडल के, दी तरह से चला हुआ है महिला मंडल। आप इसमें क्या क्या महिला मंडल आप क्या उसमें उठाते हैं, क्या आपके क्या उसके आप क्या होता है? हम तो ऐसे सोचते हैं हमारे गांव में जो बिल्कुल स्वच्छ मतलब हमारा गांव हो, और हमारे अपना गांव महिला मंडल की तरफ से हमने हर एक चीज़ उपलब्ध कर दी है, मतलब कुर्सियाँ, अपना खाने बनाने वाले जो बर्तन होते हैं वो सभी, गिलास वगैरह सभी कर दिए हैं। और वैसे ही हमें सारा अच्छी तरह मतलब मीना जी, मेरे को ये बताएं जो सरकार की स्कीमें हैं, कोई भी कुछ स्कीम है गांव तक पहुंच रही है, जैसे कोई भी स्कीम है पहुंच जाते हैं, इसको कौन नहीं कौन पहुंचाता है स्कीमों को? तो जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम जी, उनकी जो सरकार जो भी उनके जो उनके नए नए काम, जैसे कोई उनको फंड है वो आपको कहाँ से आप प्राप्त करते हैं, और आपको महिला मंडल के फंड कहाँ से मिलता है? हमें तो महिला मंडल का फंड जो है वो ब्लॉक से मिलता है, ब्लॉक वाले देते हैं। तो महिला मंडल ये आपका क्या रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है। और महिला मंडल क्या क्या काम होते हैं? काम जहाँ जैसे मतलब बांग उखाड़ना, सफाई वगैरह रखना, अपने गांव की रखना, अपने इर्द गिर्द गंदगी नहीं डालने देते हम किसी को भी, बच्चों को भी नहीं। अब मैंने बच्चों को बोला है कि जो भी रैपर वगैरह होते हैं टॉफी मतलब वो होते हैं वो एक मतलब डस्टबिन में डाल दें। तो हमारे गांव में बिल्कुल स्वच्छ है, मतलब कोई गंद नहीं होता है। हमें हमारे महिला मंडल को चेक करने के लिए आए थे, उन्हें हमें इनाम दिया है 30,000 इनाम दिया भी। आपको महिला में 30,000 मिला? हाँ, 10,000 हमें घूमने के लिए मिला और 20,000 हमें वैसे मिला। कहाँ घूमने गए थे आप? हम चिंतापूर्णी गए थे और बगलामुखी गए थे। तो महिला मंडल में कितने आपके सदस्य हैं? महिला मंडल के हमारे 25 सदस्य हैं। 25 सदस्य, आप वहाँ की प्रधान हैं, तो इसमें आपका सेक्रेटरी भी होगा? प्रधान भी है, सभी है, सब कुछ है। अच्छा, इसका मेन ऑफिस आपका चौकी में है? चौकी में, मुठान में है। मुठान में। तो आपका बचपन आपका कहाँ से आपने कॉलेज, और कोई बचपन का ऐसा कोई बताएं आप, बचपन कहाँ आपका बीता? बचपन तो मेरा सुजानपुर गांव, सुजानपुर से नजदीक है गांव जरो, वहाँ पे बीता। बहुत अच्छे ढंग से हम बहुत मतलब मजे लेते थे। होलियों वाला होली का मेला होता है, होली का सुजानपुर का होली का मेले की बात कर रहे हैं आप? बड़ा मजा लेते थे हम, बहुत खुश होते, बस घूमने जाते सब इकट्ठे होकर। हमारे फ्रेंड भी है डोरी, बड़ी अच्छी थी वो भी। तो आपको क्या पुराने दोस्त मिलते हैं? मेले में भी जाते हैं कई बार, पर मेले में मिल जाते हैं मेले में। तो अभी आप यहीं की अपनी इसी में थोड़े गांव की समस्याओं के बारे में उलझी रहती होंगी, फिर आप वहां के प्रधान से भी उठा समस्याओं को आप उठाते होंगे। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कभी फंड फूंड के चक्कर आप कभी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हाँ, ये थे मेरे साथ महिला मंडल के प्रधान श्रीमती मीना जी, जो कि अपने महिला मंडल के बारे में बता रहे थे। मैं सुरेंद्र सिंह राणा, नेशनल न्यूज़ के लिए चौकी जबाला से। अपडेट्स के लिए नेशनल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।